अभी सुबह सुबह की शुरुआत हो गई है, तो मैं चला अभी जा रहा हूँ थोड़ा बाहर। चलो आज घर से वीडियो शुरुआत करते हैं। और बस, और अभी न्यू ईयर आने वाला है तो पता ही है, अभी न्यू ईयर का पार्टी फंक्शन सब चालू हो जाएगा। न्यू ईयर नज़दीक में ही न्यू ईयर आ रहा है, अभी क्रिसमस गया, अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो बस न्यू ईयर की पार्टी तो पूरे एरिया में भी स्टार्ट चालू हो जाएगी। न्यू ईयर तो लोग जानते हैं, इस बार तो न्यू ईयर ऐसे भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि लोगों के पास तो बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही है अभी, और मार्केट के हिसाब से भी, मार्केट का हाल के हिसाब से भी ऐसा लगता है कि मतलब डमाडोल होने वाला है इस बार का न्यू ईयर। तो बस स्टार्ट है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, और उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले। तो फ्रेंड्स चलिए, दो ये को शुरू करते हैं। आज भी मैं दिखाने वाला हूँ कुछ दो चार कंपनियाँ MIDC की, और कुछ जैसा दिखता है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ अभी मुकुट टैंक के पास में, और CNG का कल लाइट नहीं रहा, तो CNG का कल बहुत बड़ा भीड़ है। मैं मुकुट टैंक के पास, पीछे देखो, ये पीछे दिख रहा है मुकुट टैंक है, और ये जो व्हाइट वाली कंपनी दिख रही है पीछे में, वो DC कंपनी है, न्यू प्लांट DC का। अभी अपना टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर और टाटा मोटर्स का डीलरशिप, और इस रोड पे जितने भी मतलब सर्विस सेंटर है, टाटा, होंडा, महिंद्रा, हीरो, सभी का मिलेगा, A to Z का आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर और प्लस डीलरशिप वाले लोग मिलेंगे मिलेंगे भाई। बोईसर बहुत बड़ा है यार, घूमो तो मालूम पड़ेगा बोईसर क्या है। मैं अभी नया नया खुला है, अभी एक साल भी नहीं हुआ है, अभी न्यू खुला ही है हीरो का शोरूम, जो कि है मुकुट के सामने ही है। तो ये मुकुट टैंक, ये हीरो का शोरूम भाई, पहले इनका छोटा शोरूम था, फिर इन्होंने बड़ा कर दिया, पहले छोटा था इनका, अभी इन्होंने बड़ा यह शोरूम ओपनिंग किया है। पहले इतना बड़ा शोरूम में ओपनिंग नहीं था, काफ़ी बड़ा शोरूम ओपनिंग किया अभी। भाई क्या करेंगे भाई, समय के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है, तो इन्होंने भी चेंज कर दिया। यह रामदेव कंपनी है, पीछे जो आपको कंपनी दिख रही है ना पीछे वाली, वो रामदेव कंपनी है। अभी बिग के, अभी शायद इस कंपनी का नाम बदल के अभी हो गया है इफ्का, पहले जिसका इसका नाम रामदेव था, अब इसका नाम हो गया बदल के इफ्का कंपनी, और बहुत अच्छी कंपनी है, क्लीन कंपनी है। और ये पीछे आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना इस साइड में, वो है अभी जो जगदीश का नया प्लांट जो बना है ना, नया नया प्लांट जगदीश का बना है अभी, वो जगदीश का प्लांट है अभी। ये जो पीछे वाला प्लांट है अभी नया नया डेवलप हुआ है, अधिकारी कंस्ट्रक्शन ने इसे जो पीछे वाला प्लांट को अभी बनाया, जस्ट अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी शायद प्लांट स्टार्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका काम अभी चल ही रहा है। और MIDC में अभी चल रहा है नाले गटर का काम, गटर का काम चारों तरफ चल रहा है, इसे भी एक साइड है ऐसा, चारों तरफ गटर का काम चल ही रहा है। करने के लिए फिर एक बार वापस पटरी के ऊपर जा रहा दुकान की तरफ। अभी ये साइड जो बाउंड्री मारा हुआ है, यहाँ से दो लाइन और जाने वाला है सामने से, ये सामने बोईसर रेलवे स्टेशन, ये साइड एक और रेलवे स्टेशन बनने वाला है नेवाले, जो कि बस थोड़ा दूरी पे है, नेवाले स्टेशन बनने वाला है, फाटक है उसके आगे में। पहले यहाँ पे ऐसा बिल्डिंग नहीं थी, ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि झटके में सब एकदम फटाफट एकदम रेडी हो गया। अभी पूरे इंडिया में हर जगह विरोध चल रहा है, पब्लिक ये नहीं सोचती कि हम नुकसान किसका करते हैं, विरोध ऐसा जाता हो ना कि किसी को सिर्फ दिल को लगे लेकिन किसी का नुकसान ना हो। तो बस जो भी करो अपने हिसाब से समझ बूझ के करो, मेरा यही बोलना है। अभी यहाँ से जो दो लाइन है, दो ट्रैक और वो साइड में आने वाला है, काम बैक साइड से काम चलते आ रहा है। मैंने पहले दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे पहले पहाड़ थे, वो पहाड़ को, पूरा पहाड़ को कट कर दिया गया है, अब पहाड़ है ही नहीं ना के बराबर। तो सो मैं जा रहा हूँ अभी दुकान पे जा रहा हूँ, मैं थोड़ा काम है छोटा सा 5-10 मिनट का, और दुकान से जाके तुरंत निकल जाना है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और न्यू यूजर हूँ, फ्रेश हूँ, अभी इतना नॉलेज नहीं है, सो फिर प्लीज़ सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और फ्रेंड्स लोग को भी बोलिए सब्सक्राइब करें। सो फिर गणेश नगर में
एक नेश नगर इलाका है, छोटी सी गली है। मैं दुकान पीछे था, दुकान से घूम के निकल चुका हूँ। मैं जा रहा घर की तरफ। बस चढ़ने वाले हैं 6। अब ये देखो लोकल ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी। मालगाड़ी जाते हुए पूरा फूल मजा मार रही है मालगाड़ी की। शायद सिग्नल लो है, इसके वजह से मालगाड़ी स्लो जा रही है। छोटी सी मालगाड़ी है, इतनी बड़ी भी नहीं है। इस तरफ से भी एक ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन भी बहुत नज़दीकी आ रही है। अभी आ रही है वो, तो दूर है, फाटक के पास है, भूसर फाटक के पास में। तो हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। अब यार रूट जो है ना बहुत ज़्यादा रनिंग है, रूट पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रनिंग चल रही है। और समय के हिसाब से और भी गाड़ियाँ पाँच इस रूट पे ना गाड़ियाँ समय के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। गाड़ी जा चुकी है और समय के हिसाब से रूट पे गाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही है। इसलिए तो इस लाइन को 4 लाइन कर रहा किया जा रहा है। 4 लाइन कर देगा तो ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगा, और जो गाड़ियाँ जो लेट फाल कभी कभी लेट हो जाती है वो लेट भी नहीं होगी, क्योंकि 2 ट्रैक होने की वजह से। क्योंकि विरार के बाद 4 लाइन है और बोरीवली के बाद 6 लाइन है, लेकिन विरार से पहले 2 ही लाइन है, ठीक है, अप एक डाउन। इसी तरह अभी 2 करने वाली है, स्लो और फास्ट 2 लाइन और बढ़ाने वाली है। समय के हिसाब से काम चल रहा है, देखते हैं कब तक फाइनल होता है, ठीक है। आज जा रहा हूँ बस, आज के लिए आज का वीडियो आज यहीं तक। मिलते हैं अनदर वीडियो में। वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जाते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।